पर दोस्तों, मैं दिव्यंजु मंडोल मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाय सेल सिग्नल कम स्किनर बनाया उसी के थ्रू में आपको आप लोगों को हाल के लिए मतलब 4 जुलाई 2019 के लिए मैंने ये स्टॉक्स चुना है, उसका बाय सेल लेवल आप लोग नोट कर सकते हैं। ये बाई अबाव लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएँ तरफ रहेगा और टारगेट 5 से टारगेट 8 दाएं तरफ। और सेल बिलो लेवल भी ऐसा है, सेल बिलो लेवल बीच में है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ है और टारगेट 5 से लेके टारगेट 8 दाएं तरफ है। और ये ऑल्टरनेटिव सेल बाय सेल लेवल भी आप लोग नोट कर सकता है। ये भाई अब आप टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 और ये सेल बिलो टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, इसका आप लोग जो सोच लीजिए, इधर 674 में ये बाई अप है तो इतना टारगेट आप लोग को, टारगेट आप लोग को हिसाब से मतलब करेंगे इंट्राडे में। और इसका जो गैप अप और या गैप डाउन होगा तो सोच लीजिए 674 है, ये 680 या 690 पर ओपन हुआ है तो ये टारगेट के लिए आप लोग देख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस और उसी का हिसाब से रखना है। और प्रॉफिट भी आप लोग इतना टारगेट के लिए नहीं जाएंगे तो टारगेट मतलब स्टॉप लॉस और टारगेट अपना हिसाब से कर लेंगे इंटरडे का हिसाब से, जो आप लोग का जिसका जितना मतलब रिक्स और रेशियो का अनुदावन है तो उसी का हिसाब से कर लेंगे। और मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल दिखाता हूँ। इस स्टॉक्स में मेरा पूरा एफएनओ स्टॉक्स का, ये फाइल में मेरा पूरा एफएनओ स्टॉक्स का है, एफएनओ स्टॉक्स का लवाई सेल लेवल है, कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी और फ्यूचर्स, जो एफएनओ स्टॉक्स का जो फ्यूचर्स है उसका बाय सेल लेवल रहता है, ये आप लोग को मिल सकता है। मैंने एंड ऑफ द डे और लाइव मार्केट में भी अपडेट कर दूँगा आप लोगों को, जो लोग ये जो लेवल है उसमें से जो प्रॉफिट होगा वो शेयर करेंगे, तो मेरा कोई चार्जेस नहीं है। और ये निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी बैंक निफ्टी का इंडेक्स का लेवल आप लोग नोट कर सकते हैं, उसी का माफिक बाई अब आप टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 और एदिके और इधर टारगेट 5 से टारगेट 8 और इधर टारगेट सेल बिलो लेवल इधर बीच में है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ और टारगेट 5 से टारगेट 8 दाएं तरफ। इसका ऑल्टरनेटिव सेल लेवल बाई सेल लेवल भी आप लोग देख सकते हैं। ये जो लिखा है आप लोग नोट कर सकते हैं, इसमें और भी मतलब बताया गया है कि कैसे ट्रेड करना है। जो स्क्रीन करके जो निकला है मैंने एक चार्ट में दिखाया है, मेरा चार्ट सेटअप है, ये मेरा चार्ट सेटअप है। और जो इंटरडे में जो मैंने स्टॉक्स चुन के इस चार्ट से जो मतलब सिग्नल निकलेगा उसको भी आप लोग को मिलेगा व्हाट्सएप पे, आप लोग कॉपी शेयरिंग में इंटरेस्टेड होंगे तो। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।